दोस्तों, हम इंसानों को जिंदा रखने के लिए भोजन सबसे पहली जरूरतों में से एक है। चाहे कोई राजा हो या फिर कोई राज्य का भिखारी, बिना भोजन के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। देखिए, वैसे तो दुनिया के हर जगह पर अलग अलग तरीकों के भोजन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि कोई देश ऐसा भी है जहाँ के लोग अपनी सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए अनाज की जगह मक्खी के अंडे खाते हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन वाकई हमारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक देश तो ऐसा है जहाँ के लोग जहरीले सांपों से बनी हुई शराब को पीते हैं, और तो और एक देश ऐसा भी है जहाँ के लोग जानवरों के अंडकोश से बने पकौड़ों को बड़े चाव से खाते हैं। और आज हम अपने इस वीडियो में आपको दुनिया की कुछ ऐसी जगहों और उनके अजीबोगरीब खान पान के बारे में बताएंगे। यकीन मानिए, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाला है, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सेंचुरी एग। चाइना तो अपने खान पान की वजह से पूरी दुनिया भर में बदनाम है। हाल ही में फैला हुआ कोरोना वायरस चाइना के इस अजीबोगरीब खान पान की वजह से ही पैदा हुआ है। चाइना के अजीबोगरीब खान पान में से एक है सेंचुरी एग। वैसे तो सेंचुरी का मतलब शतक होता है, लेकिन चाइना के लोगों द्वारा खाए जाने वाले इस घटिया से अंडे का सेंचुरी से कोई लेना देना नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस अंडे को आप लोग हर सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना, चाइना के लोग उसी अंडे को लगभग 2 महीने तक सड़ाने के बाद खाते हैं। दरअसल चाइना के लोग सामान्य अंडे को चूने, मिट्टी और राख के लेप में लपेट कर अंडे को 2 महीने तक प्रिजर्व होने के लिए रख देते हैं, और 2 महीने के बाद जब वो अंडा पूरे तरीके से सड़ जाता है ना, तो उसके अंदर मौजूद पीला वाला पार्ट पूरी तरह से काला हो जाता है, और अंडे के अंदर मौजूद सफेद वाला पार्ट सड़कर ब्राउन रंग का हो जाता है। इतने महीनों तक सड़ने के बाद उस अंडे से बहुत गंदी बदबू आती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के लोग उस अंडे को उबालकर बड़े चाव से खाते हैं। चीन के लोगों को इस तरीके से सड़ा हुआ अंडा खाना इतना अधिक पसंद है कि उसके लिए वे लोग सामान्य अंडे से भी 5 गुना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। कॉफी लुवाक। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा शख्स होगा जहाँ के लोग कॉफी नहीं पीते होंगे, लेकिन भारत के लोग काफी ज्यादा चाय को पीना पसंद करते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है दोस्तों, जहाँ पर ऐसी कॉफी पी जाती है जिसके बारे में महज जानने के बाद आपको उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। दरअसल एशिया के साउथ ईस्ट में कॉफी को बनाने के एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल किया जाता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा अलग है और सबसे बुरा भी है। देखिए, सबसे पहले कॉफी के कच्चे और पक्के दानों को उस एरिया में मौजूद एक सीवेट नाम के जानवर को खिला दिया जाता है। जब कॉफी उस जानवर के पेट में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाती है और वो जानवर उसे मल के रूप में बाहर निकालता है ना, ओहो, तब जाकर आपको हैरानी होगी कि जानवर के उसी मल का उपयोग वहाँ के लोगों के द्वारा कॉफी के रूप में किया जाता है। यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में नॉर्मल कॉफी के दानों की जगह एक खास तरीके के जानवर के मल का उपयोग वो लोग करते हैं। और उससे भी हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस तरीके से तैयार होने वाली कॉफी की डिमांड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और इस तरीके से बनने वाली कॉफी पूरी दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक है। कासुमार्जू। सैंडविच हो, पिज्जा हो या फिर बर्गर हो, चीज एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हर चीज में किया जाता है। लेकिन अब हम आपको दुनिया की एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ के लोग इस तरीके से बनी हुई चीज का उपयोग करते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते भाई। देखिए, वैसे तो पूरी दुनिया में 1800 से भी ज्यादा तरीके की चीज को बनाया जाता है, लेकिन हम आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं वो दुनिया के सबसे विचित्र तरीके की बनी हुई चीजों में से एक है। चीज है सबसे विचित्र। दरअसल इस चीज को भेड़ के दूध से तैयार किया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब भेड़ के दूध से बना हुआ चीज लगभग तैयार हो जाता है, तो उसका फॉर्मेशन करने के लिए एक ऐसी जगह पर उसे रखा जाता है जहाँ पर ढेर सारी मक्खियां तैनात हों। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस चीज को तैयार करने में मक्खियों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। दरअसल कुछ दिनों बाद मक्खियां उस अधूरे तैयार किए हुए चीज में अपने अंडे दे देती हैं, और लगभग 2 महीने के बाद ये चीज जब पूरे तरीके से तैयार हो जाता है, तो उनमें मक्खियों के अंडे से तैयार हुई इल्लियां भी बाहर आ चुकी होती हैं, और लगभग 2 महीने के बाद उस चीज को पूरे तरीके से तैयार मान लिया जाता है। 2 महीने तक सड़ने की वजह से उस चीज की बाहरी परत एकदम कठोर हो जाती है और अंदर से एकदम मुलायम, जिसकी वजह से इस चीज को काटा नहीं बल्कि ऊपरी परत को काटकर एक डिब्बे की तरह खोल दिया जाता है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस सड़ी हुई चीज के अंदर अगर मक्खियों की इल्लियां जिंदा है ना, ओहो, तो उस चीज को एकदम बेहतरीन मान लिया जाता है, और अगर गलती से इल्लियां मर गईं, तो उस चीज को बेकार माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया के साउथ ईस्ट देशों में इस तरीके से बनी हुई चीजों को बड़े चाव से खाया जाता है, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीबोगरीब खाने की चीजों में से एक है।
फ्राइड टेरेंटुला कंबोडिया। सबसे पहले आपको बता दें कि टेरेंटुला पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी मकड़ियों में से एक है, जिन मकड़ियों को देखकर पूरी दुनिया के लोग डरकर कांपने लगते हैं। उन्हीं मकड़ियों को कंबोडिया में बड़े चाव से खाया जाता है भाई। दरअसल ये घटना है 1950 से साल 1999 के बीच की, जब कंबोडिया के कम्युनिस्टों के द्वारा एक बहुत ही गंभीर आंदोलन चलाया गया था, जिसकी वजह से पूरे कंबोडिया में भुखमरी फैल गई। कंबोडिया के लोगों के पास सिर्फ एक ही विकल्प था और वो ये कि जंगली जानवरों और जंगल में पाए जाने वाले किसी भी तरह के जीवों को वो मार कर खा जाएं, क्योंकि उनके पास अनाज का कोई भी भंडार नहीं बचा था। जिसके बाद कंबोडिया के लोग तमाम जंगली जानवरों सहित दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक मकड़ियों में से एक टेरेंटुला को खाना शुरू कर देते हैं। कंबोडिया में चाहे बच्चा हो या फिर बूढ़ा, इस बड़ी सी मकड़ी को ना बहुत ही चाव से खाते हैं वो लोग। स्नेक वाइन वियतनाम। वैसे तो सांप जैसे जानवरों के जहर का उपयोग कई तरह की दवाइयों को बनाने में किया जाता है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के लोग सांप और उसके जहर का उपयोग एक बेहद ही खास शराब को बनाने के लिए करते हैं। दरअसल वियतनाम और चाइना एक ऐसा देश है जहां सांप का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें सिर्फ सांप का जहर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे सांप के शरीर का उपयोग कर लिया जाता है। और जहरीले सांप से बनी हुई इस वाइन को लोग अपने हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन मानते हैं। सबसे पहले इस खास शराब को बनाने के लिए किसी जहरीले सांप को पकड़कर अच्छे तरीके से साफ किया जाता है। उसके बाद उसे एक जार में भरकर राइस वाइन और कुछ विशेष जड़ी बूटियां डालकर कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान सांप उसके जार के अंदर मर जाता है और उसके शरीर का हर एक तत्व उस वाइन में मिल जाता है। वहां के लोगों का मानना है कि इस खास तरीके से तैयार हुए वाइन को पीने से आंखों की कमजोरी और बालों का झड़ना पूरे तरीके से बंद हो जाता है। और तो और, अधिकतर लोग इस वाइन को इसलिए पीते हैं ताकि उनकी सेक्सुअल पावर और ज्यादा मजबूत हो जाए। वास्प क्रैकर्स जापान। वैसे तो मधुमक्खी से तैयार हुए शहद का उपयोग दुनिया के हर एक कोने में किया जाता है, लेकिन क्या आपको यकीन होगा कि जापान एक ऐसा देश है जहां के लोग शहद का नहीं बल्कि उस मधुमक्खी का उपयोग खाने के लिए कर लेते हैं भाई। सबसे पहले जापान के लोग मधुमक्खियों को पकड़कर उसको गर्म पानी में उबालते हैं और फिर एक बिस्किट के मिश्रण में डालकर उसको बिस्किट का आकार दे देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरीके से बना हुआ बिस्किट जापान में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि ये बिस्किट उनकी सेहत के लिए बड़ा फायदा करता है। दरअसल इस बिस्किट को जापान के लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि मधुमक्खियों में पाया जाने वाला प्रोटीन चिकन और मटन से कई गुना अधिक होता है। कोकोनट वॉर्म्स वियतनाम। अब हम आपको एक और ऐसे खाने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर शायद आपकी सेहत खराब हो जाए। दरअसल वियतनाम के लोग एक नारियल के पेड़ में पाए जाने वाले ऐसी ऐसी इल्लियों को खाते हैं ना जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते भाई। वियतनाम में रहने वाले लोग सबसे पहले सड़े हुए नारियल के पेड़ को काट कर इस तरह की खास इल्लियों को निकाल लेते हैं और उसके बाद उसे थोड़ी देर तक राइस वाइन में भिगा कर रखते हैं, जिसके बाद इल्लियों को लाल मिर्च और लहसुन के रस में डालकर सेवन किया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि जब वहाँ के लोग चॉपस्टिक में उठाकर उन इल्लियों को अपने मुंह में रखते हैं ना, तब भी वो इल्ली पूरी तरीके से जिंदा होती है। रॉकी माउंटेन ऑयस्टर्स। अब तक तो आपने कई तरह के अजीबोगरीब खाने के बारे में देख लिया भाई, लेकिन अब आप दुनिया के सबसे अजीबोगरीब खाने के इस तरीके को देखिए। यूएसए और कनाडा में खाए जाने वाले इस डिश को देखकर ना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते भाई कि ये किस चीज से बनी होगी। दरअसल ये डिश भेड़, सांड या फिर किसी भी तरह के जानवर के अंडकोश से बनती है भाई। फॉर्म्स में पलने वाले भेड़, सांड और सुअरों की प्रजाति को तेजी से बढ़ाने के लिए उनके अंडकोश को उनके शरीर से अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद वहां के बड़े बड़े होटल उन अंडकोश को खरीद कर अपने होटल में ले आते हैं, जहां वे उन अंडकोश का यूज करके तरह तरह की डिशेज को तैयार करते हैं, जिनमें से एक है रॉकी माउंटेन ऑयस्टर्स। तो दोस्तों आपने देखा कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर कितने सारे अजीबोगरीब और कितने अलग अलग तरह के खाने पीने की परंपरा है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। हमने तो इस वीडियो में सिर्फ कुछ ही जगहों के अजीबोगरीब खाने को शामिल किया है। दुनिया में अभी भी ऐसी कई जगह मौजूद हैं जहां पर ऐसी ऐसी चीजों को अपने खाने में शामिल किया जाता है जिनके बारे में जानकर भाई आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप दुनिया भर के खाने पीने के तौर तरीकों को और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम अपनी अगली वीडियो इसी टॉपिक पर ले आएंगे। खैर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर दें, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है। देखने के लिए शुक्रिया।